करता रहूँगा। ये देखो क्या खा रहा है, चींटियाँ खा रहा है, चींटियाँ। वहाँ पे चींटियाँ आती हैं हमारी ऑफिस में, तो वो देखो देखो देखो, इतना खुरापात है ना। लो हो गया, हो जाएगा इससे? इससे क्या होगा यार, बाबा कॉलोनी जी को इससे होगा कुछ? क्या अद्दा पीना है, पौवा पीना है, बताओ उस्ताद जी। यार मालिक क्या, क्या पीना है मुझे? पौवा पीना है। कितने का आता है पौवा? 100 रुपए। थैंक यू सर। ओके प्लीज, कब भी मिलेंगे जवानी में। बिल्कुल जवान। हाँ जी, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में एक्चुअली वीडियो तो सुबह ही शुरू करना चाहिए था, मैं भूल गया, तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। खैर मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता दूं। सो एक साइट विजिट के लिए मेरे को अपने घर से दूर कहीं जाना था, एक दूर थी साइट, तो वहाँ हम गए और बहुत ही खूबसूरत रास्तों के थ्रू गए और वहाँ हमें एक शराबी मिला। ये देखो दोस्तों, ऑटम ऑलमोस्ट आ चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ना येलो येलो, ये सारे पेड़ हैं जिनके कलर्स ना चेंज होने लगे हैं, धीरे धीरे सारे पेड़ों के कलर चेंज हो जाएंगे। एंड इट्स गोना लुक अमेजिंग यार, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये देखो। ओ भाई इतना सुंदर दिख रहा है, फोन में ना जस्टिस नहीं हो पाती इन चीज़ों को, पर इन रियलिटी इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत सफ़र है ना, इतना सुंदर लग रहा है ड्राइव करना। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडी एकदम हवा है, और ये सारा इतना कोहरे में डूबी हुई पहाड़ियाँ और येलो येलो से पेड़ हो रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये शराबी अंकल मिले हैं, पीछे पड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जजमान हूँ, मैं तुम्हारा पंडित हूँ, कभी बोल रहे हैं कुछ दे दो कुछ दे दो। तो अब मैं, मेरे पास खुले रुपए भी नहीं है, सिक्के पड़े हैं। अरे पिलियन पैसेंजर के पास, बस में जाम लगवा दिया अंकल ने, पीछे बस वाला हॉर्न बजा रहे, अब उधर आ गया। कतई खतरनाक शराबी, पीछे ही पड़ गया यार, मेरे दिमाग ही खराब कर दिया। लो हो गया, हो जाएगा इससे? इससे क्या होगा यार, बाबा कॉलोनी जी को इससे होगा कुछ? क्या अद्दा पीना है, पौवा पीना है, बताओ उस्ताद जी। यार मालिक क्या, क्या पीना है मुझे? पौवा पीना है। कितने का आता है पौवा? 100 रुपए। 100 रुपए का आता है। चलो प्लीज हेल्प टू मी, मैं कॉलोनी, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। है 100 रुपए तो सारा करके भाई तुम? हां मैं कॉलोनी जी हुआ, कॉलोनी कॉलोनी जी भाई, धार का कॉलोनी हुआ। तो 100 रुपए उधार भाई फिर तुम पे, कैसे हुआ यार? जैसे मैं यार हैं, कर दो कार तक छोड़ दूं, कार घाट नहीं जा रहा हूं यहीं। अच्छा आप कौन सी कास्ट के हैं? अबे काम, मैं भी वही हुआ, पंडित ही वाला। अब तो हो जाएगा पौवा, अरे आ जाएगा इसमें। थैंक यू सर। ओके प्लीज, चलो कब भी मिलेंगे जवानी में। बिल्कुल जवानी, आपकी भी जवानी, मेरी भी जवानी चली रही है। ठीक हुआ, ठीक हुआ, ठीक चाहिए, ठीक चाहिए। टैंकर खतरनाक अंकल, तो यार पीछे पड़ गए भाई आधे घंटे तक, जजमान जजमान, पैसे तो भीग रहा है बारिश में भाई, खतरनाक। चलो ठीक है भाई का हो जाएगा काम, नाली में गिरा मिलेगा थोड़े से कुछ टाइम बाद, पता नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने देना नहीं चाहिए था, क्या करें यार, पीछे पड़ गया यार, सर दर्द कर दी थी, पर चलो ठीक है, कुछ हो गया भाई, जो भी था। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं दा के यहाँ, जहाँ हम नारियल पानी पीने आते हैं। एंड क्या खा रहा है भाई, क्या खा रहा है दा ने? बड़ा पाव बनाया, बड़ा पाव इन पिथौरागढ़। ओ यम्मी, पर मैं तो खाऊंगा नहीं यार, मैं नहीं खाऊंगा। नो 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 गाइस नो, अच्छा खाना खाएंगे हम। बस हो गया भाई, हो गया। ये गाय और बैल ना रोमांटिक हो गए हैं और इनके रोमांस के चक्कर में लग गया जाम। थिंग्स हैपन इन इंडिया, पिथौरागढ़ कहता पर हर जगह ही होता है ये। ओह पूरा ग्रुप है यहाँ पे, तो खूब सारे गाय बैल हैं यहाँ पे। पहाड़ों में ऐसे ही जाम लगते हैं दोस्तों, दिल्ली विल्ली में तो बहुत सारे तरह के जाम लगते हैं, पहाड़ों में इसी तरह के ऊटटांग जाम लगते हैं, पर मज़ेदार होते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, रेड अलर्ट है इनफैक्ट, आज तो स्कूल वगैरह सब बंद थे आज, एंड कल भी है और परसों भी है, 3 दिन रेड अलर्ट है। एंड मेरे को ये टेंशन है कि कल मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को कल यहाँ से नौकुचताल भीमताल की तरफ जाना है, वही काम रिलेटेड। बहुत टाइट मामला है भाई, बहुत टाइट मामला है, निकल गई क्योंकि कल मेरे को ट्रैवल करना है नौकुचताल। तो मैं सोच रहा हूँ आज बाल भी आगे कटवा लूँ, बाल बिल्कुल ना जंगल जैसे हो गए मेरे, बहुत ही अनटाइडी लग रहे हैं, तो थोड़े छोटे छोटे बाल करा लेते हैं, है ना। तो दोस्तों ये मेरे बालों की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी देखो इतना जंगली टाइप का लग रहा हूँ मैं, और भाई हमें बढ़िया बना देंगे। बाकी ये देखो ना भाई, ये देखो, ये हेयर स्टाइल देखो ना, ये ऐसे ही बना दो, ये बाकी ऐसे छोड़ देना प्रोफेसर, ये जो आपने काट दिया ठीक है, सही लग रहा है तू, यहाँ देखो इसकी डिजाइन ही है प्रोफेसर, आप इसके बालों के आगे टेक्टो करो, यहाँ देखो वैसा नहीं लग रहा जो लोग अपनी शादी से पहले बाल कटाते हैं। कपड़े भी थोड़े शादी वाले पहने हैं भाई, बिल्कुल करो। ये तो तुम्हारे भाई के बाल कट गए हैं दोस्तों, अभी बढ़िया वाली चम्पी वम्पी करवाएंगे, उसी में मजा है असली।
भैया ने मेरे साथ वही किया जो हर किसी के साथ होता है। क्या है, 5 मिनट और लगेंगे, मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद मेरा शैम्पू कर दिया, फिर अभी क्या करा अपने हेयर स्पा भी कर दिया, अभी चंपी भी करेंगे अभी चंपी भी करेंगे। तो दोस्तों यही होता है, तुम अगर आते हो ना नाई की दुकान में तो तुम आए बाल कटाने होते हो और हो बहुत कुछ ज़्यादा, पर बाल अच्छे हो जाते हैं, ये फ़ायदा है। और परवेज शायद मेरे से पैसे लेते नहीं है, क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, है ना। यहाँ देखियो हो गया भैया, बढ़िया, कुछ बचा है? हाँ मुँह धो गया भैया ने मेरे बाल वाल सब बढ़िया, देखो चंपी वंपी भी कर दी। और मैंने भैया को बोला था मेरी 6:30 मीटिंग है, 10 मिनट बचे हैं, तो मीटिंग का तो भैया ने शायद थोड़ा लेट ही करा दिया वैसे तो। फिर दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार, ये देखो तुम्हारे भाई के बाल अब तो कटे कटे लगेंगे, पिछले कहते कटवाए नहीं, और इसको देखो ना भाई, ये है बिफोर आफ्टर, ये देखो पहले कैसा था और देखो अब देखो ये। पर थैंक यू यार, वैल्यू बढ़ा दी हमारे ऑफिस की, अमीर बना दिया भाई। जब बारिश होती है ना पिथौरागढ़ में तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है एकदम से, और हम ना टी शर्ट में तो कपकपी सी छूट रही है। हमारी अभी एक मीटिंग है तो वो मीटिंग बड़ी ज़रूरी है, तो वो मीटिंग निपटाते हैं फटाफट जाके। सो फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। मैं अभी श्वेता आपको वीडियो देखा था भाई, कंट्रोवर्सी तो अलग ही लेवल पे जा चुकी है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है, बिकॉज हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। सो आई रियली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट श्वेता इज सेइंग, एंड जो प्रखर ने बोला वो भी सही लग रहा है, जो SM बोलता है भाई संदीप मेश्वरी वो तो भाई ग्रेट है, वो तो जो बोलते हैं बढ़िया ही बोलते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन एक्चुअली इसमें यू नो सही और गलत जो कोर्ट प्रूव करेगा। ये देखो ऑफिस में कौन है, मैक्स, मैकू क्या खा रहा है? अरे क्या खा रहा है भाई, हद्दी खा रहा है चुपचाप बैठ के। खात इस हद्दी को जितना काटना है काट, फर्नीचर नहीं काटना बच्चों के। पता नहीं क्या देख रहा है, ऐसे अजीब तरीके से बैठा हुआ है, क्या देख रहा है पता नहीं। मैक्स ओए, सिर्फ कान हिलाने लग गया, गोश से सीख लिया ये, देखो मैं पीछे नजर में लाया करो। ओए तेरे से बात कर रहा हूं मैक्स, ये ले मैं क्यों देखा, जब पहले मैक्स बोला तू नहीं देखा, पिट्टी करो। पता नहीं क्या देख रहा है, पता नहीं क्या दिख रहा है यार। इसी साइज का रहता ना तो बहुत मजा आता है, ये बड़ा ना हो जाए यार। बिल्ली में रिएक्ट करेगा, बिल्ली गोश्ती में देखा, अपने दादा को देखा तुमने, और किसके रिएक्ट करेगा? चिंटू इग्नोर, और क्या बिस्किट से देख ले हैं। सो गाइस एक बात और आपको बताना चाह रहा था कि आज शाम को मास्टर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बाय द वे वो देखो आप, तब तक इंटरेस्टिंग चीज़ तो आपको दिखाता रहूँगा। ये देखो क्या खा रहा है, चींटियाँ वहाँ पे चींटियाँ आती हैं हमारी ऑफिस में, तो वो देखो इतना खुरापात है ना मैक्स, सही मत्तू ओई। चलो इसको चींटी खाने देते हैं शैतान को। तो मैं बता रहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हमारे साथ, हमने एक औरत पे केस किया, आपको बताया था ना, मैंने वीडियो भी डाला 14 लाख रुपए का फ्रॉड जिसने किया। तो वह वो ना औरत क्या कर रही है, जब अब केस तो ऑब्वियसली उसने यार उसके बस का तो नहीं जीतना, तो वही कभी पुलिस को कह देती है इन्होंने मैं मारा, कभी कह देती है मेरे साथ जबरदस्ती कुछ भी कह देती है, कुछ भी पुलिस में कहती मेरा घर ताला तोड़ के चोरी करके ले गए, कुछ भी फर्जी केसेस हैं सबको पता है, केस दर्ज नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें हमें मतलब विमेन कार्ड खेल के हमें दबाने की कोशिश कर रही है वो बेसिकली। तो ऐसे ही इसने कई सारे फैमिली से और भी किया है। तो वो एक उनमें से एक फैमिली मेरे से मिलने आई थी और हमें ये श्योर करके गए कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड आज तक इस औरत को किसी ने सबक नहीं सिखाया होता तो ये नौबत नहीं आई होती, आप उसको सबक सिखा रहे हो, थैंक यू सो मच, वेल एंड गुड। एंड अगर कोर्ट में हमारी गवाही या बयान की जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। सो दिस मेंट अ लॉट टू मी, मैंने तो बोला सर इतना ही बहुत है ना, उनकी वाइफ भी आई थी वो भी आई थी, इतना आपने बोल दिया मेरे लिए बहुत है, आई विल कीप दिस इन माइंड, जब जरूरत होगी सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड बस दोस्तों आज का दिन काफ़ी लंबा था, ख़त्म हो गया, एंड डिनर विनर करेंगे अब अमन, एंड अब डिनर करके सो जाएंगे, बिकॉज कल का दिन इससे भी ज़्यादा लंबा होने वाला है, एंड हो सकता है कल मेरे को ट्रैवल भी करना पड़े।
6-7 घंटे दूर जाना है कहीं. लेट्स सी हाउ इट गोज. तो अपना ख्याल रखो तब तक आप, और मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए ओके बाय. और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो प्लीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक.